वेलकम टू बॉलीवुड कहानी। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो फ्रॉम बॉलीवुड कहानी। नमस्कार दोस्तों, अब की खबर बिग बॉस 15 के बहुत चर्चित कपल को लेकर। बिग बॉस 15, क्या वाकई में बढ़ रही थी उमर रियाज और रश्मि देसाई की नजदीकियाँ? डॉक्टर ने दिया ये जवाब। बिग बॉस 15 से उमर रियाज बाहर हो चुके हैं। उनके जाने पर काफी बवाल भी हुआ था क्योंकि उनके इविक्शन को अनफेयर बताया जा रहा था। उमर रियाज अब बाहर हैं तो उनसे भी कई सारे सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें से एक उनका और रश्मि के संग उनकी बॉन्डिंग पर सवाल है। कहा जा रहा था कि उमर ने लव एंगल दिखाने के लिए रश्मि से नजदीकियां बढ़ाई। हालांकि इन बातों को उमर रियाज ने गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें लव एंगल दिखाना होता तो वो बहुत पहले से ही किसी न किसी के साथ कर लेते। रश्मि संग बॉन्डिंग पर बात करते हुए उमर ने स्पॉट बॉय से कहा, हम काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि वो मेरे भाई आसिम रियाज के सीजन में भी थी। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी और शो खत्म होने के बाद हम लगातार एक दूसरे से टच में थे, इसलिए जब वो बिग बॉस 15 में आई तो मैं हमेशा मेरे लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। मेरे दिमाग में था कि मुझे उन्हें सपोर्ट करना है। उन्होंने भी मुझे गेम में सपोर्ट किया। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लव एंगल की बात पर उमर आगे बोले, नहीं, मैंने कोई लव एंगल शो में नहीं बनाया। अगर मुझे बनाना होता तो मैं ये सबके करने से पहले ही कर चुका होता। चाहे करण तेजस्वी हूँ या ईशान माहेश्वरी, मैं उस समय पर लव एंगल बना चुका होता था। जब रश्मि देसाई गेम में आई तो हम अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया था। हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया और हम दोनों के बीच में नजदीकियां थी, लेकिन ये शो के लिए नहीं था। बता दें कि उमर रियाज को इसलिए बाहर किया गया था क्योंकि उन्होंने प्रतीक सहजपाल से हाथापाई की थी, जबकि करण कुंद्रा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी प्रतीक सहजपाल के साथ धक्का मुक्की की है, तो उन्हें क्यों नहीं निकाला जा रहा है। इस बारे में आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।